नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हार्ट अटैक के बारे में बात करने का मेरा पर्पज़ ये है कि आज दिल थोड़ा सा दुखी है क्योंकि मैंने मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं जिनके पिताजी की डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई कि उनको हार्ट अटैक था और उन लोगों को हार्ट अटैक समझ में लेट आया। वो लोग उसे उस दर्द को, उस उलझन को, उस पसीने को गैस समझ के इग्नोर करते रहे और जब तक अस्पताल ले गए तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हार्ट अटैक क्या होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक क्या करने से हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जस्ट डबल हो जाते हैं चांसेस ज़्यादा होने की संभावना रहती है, क्या करके हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से जिससे हार्ट अटैक हो ही नहीं, और क्या ऐसी डाइट लें कि हार्ट अटैक से हम बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और फ़ायदेमंद जानकारी है लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है आपके लिए। तो दोस्तों बात करते हैं हार्ट अटैक को। हार्ट अटैक को इसी को दिल का दौरा बोलते हैं हिंदी में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्म में या डॉक्टरी भाषा में इसको MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायो मतलब होता है मसल, कार्डियक मतलब कार्डियक मतलब होता है हार्ट की, इन्फार्क्शन मतलब होता है वो पर्टिकुलर एरिया का डेड हो जाना या मर जाना या नेक्रोज्ड हो जाना। तो और इसी को एक नाम और देते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देते हैं। इस तरह से इन नामों से जाना जाता है, किसी भी नाम से इसको कह सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ये कुछ हार्ट के बारे में आपको रोचक जानकारियां देता हूं कि हार्ट जो जिस तरह से बॉडी के जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं, ऊपर जितने दिख रहे हैं, आँख, नाक, कान, गला, पैर, टूटू जो भी दिख रहा है, इसी तरह से बॉडी के चमड़ी के अंदर भी और बॉडी के भीतर भी ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह जो भी हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, सबको खून की ज़रूरत होती है। उसी खून से उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है जिससे वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। इसी तरह से हार्ट भी हार्ट भी लेफ्ट साइड जो सैचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड जो होता है उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। किसी कारणों से ये अगर ऑक्सीजन खुद जो पूरी बॉडी में हार्ट ब्लड सप्लाई देता है, हार्ट पंप करके पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई देता है, अगर किसी भी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो सड़ जाती हैं, सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, नेक्रोज होने लगती हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं और उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। या सिंपल सी भाषा में बात करें, बहुत थोड़े शब्दों में, कि जब हार्ट की मसल्स को सब खून नहीं मिल पाता जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स ख़राब होने लगती हैं, उस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक के क्यों होता है। हार्ट अटैक दोस्तों होने की सबसे बड़ी वजह और इकलौती वजह यही है कि हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरी वेंस जो भी हैं, हार्ट की आर्टरीज़ की ब्लड सप्लाई रुक जाना, स्पेशली ब्लड सप्लाई रुकती इस वजह से क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स जाके वहाँ रुक उसकी ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं और वो एरिया नेक्रोज हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है दोस्त। और प्रॉपर तरीके से अगर टाइमली मैनेजमेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाती है और हम पेशेंट को लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट अटैक को बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक होने की संभावना को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग मतलब कि जो भी चाहे बीड़ी पी रहे हों, चाहे सिगरेट पी रहे हों, चाहे गांजा पी रहे हों, चरस पी रहे हों, अफीम पी रहे हों, सिगार पी रहे हों, एनी स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज़ हार्मफुल फॉर हार्ट। हार्ट के लिए किसी भी तरीके से स्मोकिंग फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं और उनका शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी कम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना खूब रहती है। ऐसे लोग जो फास्ट फूड जंक फूड और फैटी फूड खूब खाते हैं, उनमें भी हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इसके बाद की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या आते हैं, हार्ट अटैक कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक है या फिर और कोई दिक्कत है।
दोस्तों हार्ट का पेन लेफ़्ट साइड में होता है, कभी कभी ये इन्फीरियर वॉल अगर MI हो रहा है तो नीचे की तरफ भी मिलता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में पेन मिलेगा। ये दर्द कंधे में जा सकता है, पीछे जा सकता है, गर्दन में आ सकता है, और ये हाथ में भी आएगा और लास्ट की उंगलियों में भी आता है। एंजाइना पेन बोलते हैं बेसिकली इसको, इस तरह से दर्द होगा। इसके साथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, बहुत ढेर सारा पसीना आएगा, घबराहट होगी, उलझन होगी। हार्ट अगर हम पल्स रेट पे हाथ रख पल्स पे हाथ रख के देखेंगे तो पल्स उसकी कम मिलेगी, कम बाउंडिंग होगी, मतलब पल्स वॉल्यूम कम होगा, और जो है उसको हार्ट रेट कम होगी, बिलो 60 चलने लगती है या फिर बिलो 60 होगी, हार्ट रेट कम होगा, बहुत ज़्यादा उलझन होगी, पेशेंट बहुत रेस्टलेसनेस होगा। सी चेस्ट का जो पेन होता है वो सीवियर प्रिकिंग पेन होता है, चुभने जैसा दर्द होता है। इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे, और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी, सफोकेशन फीलिंग होने लगेगी, मतलब कि सफोकेशन होने लगेगा, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए दोस्तों? आपके लिए सबसे पहले तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स मिलें तुरंत बेस्ट पेशेंट को बेड रिडन कर दीजिए, बिस्तर पे लेटा दीजिए, और उसको बिल्कुल भी चलाना नहीं है, हिलाना डुलाना नहीं है। अस्पताल भी जब आप ले जाएंगे तो उसे बिल्कुल नहीं चलाना है दोस्तों। कितने पेशेंट तो सिर्फ इसलिए लॉस्ट कर देते हैं लोग, कितने अपने घर वाले को खो देते हैं क्योंकि उसको दर्द हो रहा है और अस्पताल पहुंचते हैं या फिर घर से चल के गाड़ी में बैठे, एम्बुलेंस में बैठे, फिर वहां से चल के ही अस्पताल में भीतर जाते हैं, बिस्तर पे लेटते ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्योंकि जब हम चलते हैं या फिर वर्क करते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट को और ज़्यादा पंपिंग करनी होती है। हार्ट पहले से ही इंजर्ड है, आप चल रहे हैं तो आपके हार्ट को और ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो जो चीज़ हो रही थी, जो नेक्रोसिस हो रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और अरेस्ट कर जाता है पेशेंट। इसलिए कभी भी जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स मिले तो पेशेंट को बिल्कुल नहीं चलाना है, कम्प्लीटली बेड रिडन कर देना है। दूसरा कि अगर आपको आपके घर पे एस्प्रिन की गोली अवेलेबल है, मतलब कि डिस्प्रिन की गोली आपके घर में अवेलेबल है, तो दो गोलियाँ उसको दे दीजिए चबाने के लिए, या एक गोली भी हो तो एक गोली ही दे दीजिए उसको चबाने के लिए, पेशेंट चबा लें। इमीडिएटली कॉल योर डॉक्टर एंड कंसल्ट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। और अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना है कि ये गैस का दर्द है या गैस की वजह से है कि अभी ठीक हो जाएंगे। कितने लोग तो इस वजह से अपने पेशेंट को लॉस्ट कर देते हैं कि वो इस दर्द को गैस 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 मानते रहते हैं। अब क्या कहते हैं कि कैसे बचें? अगर हम ठीक हैं, आज ठीक हैं, लेकिन कल हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा हम नहीं, किसी को नहीं मालूम, तो क्या करें कि हम अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं? सबसे पहले तो अपने हार्ट को अच्छा रखने के लिए आपको फैटी डाइट नहीं लेनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाने हैं, एक्सरसाइज खूब करना है, जॉगिंग रनिंग योगा जो भी आप करते हैं, जो भी कर पाएँ खूब करना है, जिम जाते हैं तो जिम अच्छी चीज़ है, खूब जाइए खूब करिए, और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो करके आप बच सकते हैं, जिनको लेके आप बच सकते हैं। और कभी भी आपको चेस्ट पे पेन हो तो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली कंसल्ट करने लेना है डॉक्टर से। जैसे फूड में आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अनार खाएं तो अनार हार्ट के लिए अच्छा होता है, चॉकलेट्स हार्ट के लिए अच्छी होती हैं, रेड वाइन हार्ट के लिए अच्छी होती है, रेड वाइन लाल वाली शराब, हालांकि शराब पीना गलत बात है, और जो वाटरमेलन होता है वो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, नट्स हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हैं, एप्पल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बॉडी के लिए। लोग कहते हैं कि अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो एप्पल खाना हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। ग्रीन टी हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होती है, गार्लिक लहसुन हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस तरह की डाइट में कुछ अपने मॉडिफिकेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, सिम्टम्स अगर आते हैं तो इग्नोर कभी नहीं करिए, और कोई भी दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट बने रहिए, रेगुलरली चेकअप कराते रहिए, कोई भी दोबारा सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इस तरह से करके आप अपने आप को सुरक्षित और अपनी फैमिली को हैप्पी एंड हेल्दी रख सकते हैं दोस्तों। ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि हार्ट अटैक को कम समय में आपको अच्छे से समझा सकूं। शायद वीडियो पसंद आएगा आपको, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल अभी भी अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फ़ायदेमंद जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।